सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट कनेक्ट कर सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किल्स मिल सके या क्लोज रेंज में वो एनिमी को डिफीट कर सके। और गाइस, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसके बाद मेरी गारंटी है कि अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो फिर आपका क्लोज रेंज तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होने वाला है और आपके सारे बुलेट्स एनिमी के हेड से ही कनेक्ट होने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। और दोस्तों, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो चलो अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में आप हर एक वीडियो में सुनते होंगे, क्योंकि वो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है क्रॉस हेयर प्लेसमेंट, यानी कि आप अपने क्रॉस हेयर को कहाँ पे रखते हो। मतलब कि अगर आपका क्रॉस हेयर सही जगह पे नहीं होगा तो फिर आप हेडशॉट भी नहीं मार सकते हो। और क्रॉस हेयर, आप लोगों को मालूम है कि ये जो हमारी स्क्रीन पे रहता है, इसको हम लोग क्रॉस हेयर कहते हैं। तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि अपने क्रॉस हेयर को वो नीचे की तरफ रख के भागते हैं, तो ये बिल्कुल गलत मूवमेंट होती है। और इसका नुकसान क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जैसे आप सामने मूव कर रहे हैं और सामने से एक एनिमी आ रहा है और आपका क्रॉस हेयर नीचे की तरफ है और जो एनिमी है उसका क्रॉस हेयर ऊपर की तरफ है, तो उसे बस अपने क्रॉस हेयर को लेफ्ट या राइट जहां पे भी आपकी पोजीशन है वहां पे शिफ्ट करना होगा, और वो आसानी से आपके हेड पे एम करके फायर कर देगा। और जैसे आपका क्रॉस हेयर नीचे की तरफ है तो आपको पहले अपने क्रॉस हेयर को ऊपर करना होगा, फिर एनिमी की पोजीशन को देख के उसके हेड पे एम करना होगा, या फिर जहां भी आपको फायर करना है पहले आप क्रॉस हेयर को ऊपर करोगे, फिर एनिमी पे एम करोगे, फिर फायर करोगे, और इतने दिन में सामने वाला जो आपको सिंपली लेफ्ट राइट स्पॉट करके फिनिश कर देगा। कहने का मतलब यही है कि आपका रिफ्लेक्स काफी स्लो हो जाएगा। तो गाइस, जब भी आप चलते हो या भागते हो तो अपने क्रॉस हेयर को ऊपर की तरफ रख के चला करो, क्योंकि क्रॉस हेयर नीचे रखने से क्या डिसएडवांटेज है वो मैंने आप लोगों को यहां पे बता दिया है कि आप कभी भी जल्दी से हेडशॉट कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद गाइस, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आखिर क्रॉस हेयर हमेशा हेड लेवल पे ही कैसे रखें। तो इसका एक तरीका तो ये है कि जब भी आप चलते हो तो अपने क्रॉस हेयर को आप अपने हेड लेवल पे रखो इस तरह से, और तब भागो। और इस चीज की प्रैक्टिस आप ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ देर कर सकते हो, या फिर टीडीएम खेल के भी आप जो इस चीज को सही कर सकते हो। उसके बाद गाइस, दूसरी चीज आपको ये करनी है कि यहाँ पे इस जगह पे इस तरह से खड़े होकर आपको सामने जो बोर्ड्स आप देख रहे हो तो इन पे आपको फायर करना है जिगल देते हुए। और क्योंकि यहाँ से हमारा क्रॉस हेयर जो ऑलमोस्ट हेड लेवल पे ही रहता है, तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अपने क्रॉस हेयर को इसी लेवल पे रखने की। तो इस तरह दो चार बुलेट्स फायर करके टारगेट शिफ्ट करते हुए आपको इस चीज को करना है। और गाइस, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसको आप लोगों को भी जरूर ट्राई करना है। इसके बाद गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। और इस चीज़ के लिए आपको जितना हो सके उतना टीडीएम खेलना है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आपको बस टीडीएम ही खेलना है, लेकिन जितना भी जब भी आप खेलते हो तो उसमें आपको ट्राई यही करना है कि आप हमेशा हेडशॉट मार सको। आपको बिल्कुल भी बॉडी शॉट नहीं मारना, और बस इसी चीज़ पे फोकस करना है कि आप हेडशॉट ही मार रहे हो। और टीडीएम में अगर आप हेडशॉट कनेक्ट करते हो तो आपको मालूम चल जाता है, चाहे आप 10 किल ही करते हो, लेकिन आपको ट्राई करना है कि 6 से 8 किल्स आप सिर्फ जो है हेडशॉट से कर रहे हो। और जितना आप टीडीएम में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फिर क्लासिक मैच भी अच्छा जाएगा। अब गाइस, चलो बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो क्रॉस हेयर होता है उसका जो मिडिल का डॉट होता है वो काफी छोटा होता है, और हेडशॉट कनेक्ट करने के लिए आपको उसी डॉट को एनिमी के हेड पे रखना होता है। तो होता क्या है कि काफी लोगों को वो दिखाई नहीं देता, और उसमें जो है प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए आप क्या कर सकते हो कि आपका ये जो आई बटन होता है या फिर पेंट वाला जो बटन होता है उसको आप अपने क्रॉस हेयर के डॉट के ऊपर रख सकते हो। और शुरुआत में जब आप खेलते हो इस तरह से तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को फुल रखो, लेकिन धीरे धीरे आपको ट्रांसपेरेंसी को घटाते रहना है। मतलब कि आपको बस आई बटन रख के ही आदत नहीं लगानी है, इसलिए स्टार्टिंग में बस प्रैक्टिस करने के लिए आपको आई बटन को यहाँ पे रखना है, और जब आप थोड़े बहुत परफेक्ट हो जाओ तो उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंसी को कम कर देना है, और जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ तो उसके बाद आपको आई बटन हटा के नॉर्मल क्रॉस हेयर से ही खेलना है। और गाइस, इस तरह से बस आप टीडीएम में खेलना, ना कि क्लासिक मैच के अंदर, क्योंकि ये उनके लिए जिन्हें जल्दी से क्रॉस हेयर दिखता नहीं है या फिर जल्दी से हेड पे ले जाने में दिक्कत होती है। तो गाइस, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनको अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपका हर एक बुलेट हेड को ही कनेक्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। और फिर आपको भी क्लोज रेंज के अंदर तो कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा। तो गाइस, जाके आप लोग ट्राई करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल था या नहीं। और गाइस, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। और दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू।